सुधरे, फिर हम दूसरे को सुधार पाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लोगों में हेलमेट, शहर में बिक्री नहीं है, जहाँ से हम लोग कैंप लगाना ही सीख गए, तो अपने साथ साथ दूसरे की सुरक्षा, अपने ऑपरेशन कैंप में किसी भी कैंप में हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। हेलमेट ना लगाना या हेलमेट ना लगाना, इस पर समय समय पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, इस पर काफ़ी कार्रवाई भी की गई है। और इस चीज़ को इस माह में जो एक महीने का पूरा ये चलेगा, ड्राइव चलेगा हमारा, इसमें इस चीज़ का और भी ध्यान दिया जाएगा। और ये लगाने की पेड़ जो चीज़ें भीतर से पेड़ होनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, जिसमें उनकी जान की सुरक्षा है खुद है। इस पर इस अभियान के साथ हमको अवेयरनेस प्रोग्राम चला के उनको प्रेरित किया जाए, इस तरह से ये कह रहे हैं कि रोड सेफ्टी का ध्यान रखें, जिससे कि कोई घटना उनसे संघटित न हो। प्रत्येक वर्ष जो है 1 नवंबर से 30 तक जो है यातायात सुरक्षा माह मनाया जाता है, और ये सभी जनपदों में और सभी स्तर पे जो है इसको मनाया जाता है। इसका पीछे उद्देश्य ये है कि हम आम आदमी को जो यातायात का नियम है और यातायात को सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या जो है सुनिश्चित करना चाहिए, उसकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित करने का एक मौका होता है। और इस पर हम लोग इस यातायात माह में जैसा आज शुभारम्भ है, तो इसमें आप देखेंगे तो कि समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो जिम्मेदार नागरिक हो, और जो हमारे विभाग है, चाहे अपना ट्रैफिक का है, पुलिस का, सब लोगों का एकजुट आके एक मंच पर आके इस बात को एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं कि इस मंच के माध्यम से कि हमारे लिए यातायात का नियम का अनुपालन करना प्लस सुरक्षा को सुनिश्चित करना कितना आवश्यक है। एक आंकड़ा मैं बता दूँ कि पूरे प्रदेश में अगर आप 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक का आंकड़े अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के हैं, 30,000 से ज़्यादा हमारे एक्सीडेंट्स हुए हैं।